और देखिए निकाय चुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी बयान दिया है। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं, जब भी चुनाव होंगे हम पूरी तरह से तैयार हैं। सरकार के वकील कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे हैं, ये बयान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से दिया गया। दरअसल सभी की निगाहें निकाय चुनाव पर कि आखिर तारीखों का ऐलान कब होगा, कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं। और इसी बीच डिप्टी सीएम ने यह बयान दिया कि हम तो चुनाव के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे या नहीं होंगे, ये आज कोर्ट में जब सुनवाई होगी उसके बाद ही तय होगा। लेकिन बीजेपी बार बार ये कह रही है कि दरअसल जो विपक्षी दल है उनकी तैयारी नहीं है और इसीलिए वो डिले करा रहे हैं। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने सबसे पहले आरोप लगाया था। ये निकाय चुनाव की तारीखें लगातार टलती जा रही हैं, कोर्ट में मामला है, लगातार सुनवाई टलती जा रही है। जब मामला चूंकि माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई में है तो ऐसे समय कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं है और उचित भी नहीं है। लोकतंत्र में एक व्यवस्था है कि हर 5 वर्ष में जो चुनाव से कोई जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के लोग हों, और चाहे विधानसभा लोकसभा के लोग हों, तो एक परंपरा जो लोकतंत्र की है, जो व्यवस्था है, उसके हिसाब चुनाव होते हैं। अभी चूँकि मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और उस पर सुनवाई चल रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और जब भी चुनाव होंगे, अभी अगर होते हैं तो अभी भी तैयार हैं, अगर कभी भी होते हैं तब भी तैयार। लेकिन एक मैसेज ये भी जा रहा है कि शायद उस तरीके से पक्ष सरकार रख नहीं रही है कोर्ट में। नहीं, सरकार क्यों नहीं रखेगी, सरकार तो वहाँ तो सरकार के अधिवक्ता लगातार अगर पक्ष नहीं रखेंगे तो कोर्ट तो वन साइडेड जजमेंट दे सकती है, ये होता है। लेकिन सरकार का पक्ष है, इसीलिए वो सुनवाई रोज हो रही है और सरकार अपना पक्ष मजबूती से रख रही है और जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा सरकार। और देखिए यूपी निकाय चुनावों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एक बड़ा आरोप लगाया, कहा कि निकाय चुनाव टालने की साजिश हो रही है, तैयारी नहीं होने की वजह से निकाय चुनाव टालने की साजिश कर रहे हैं, जो लोग कोर्ट गए हैं उनको सब देख रहे हैं। निकाय चुनाव में गठबंधन पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि निषाद पार्टी और सहयोगी दलों को सीट देने का निर्णय केंद्रीय आलाकमान लेगा, अगर निर्णय होगा तो हम सबको साथ लेकर चलेंगे। और वहीं जयंत चौधरी के इस बयान पर कहा कि जयंत किसी से भी गठबंधन कर ले, हम तैयार हैं, हमारी पूरी तैयारी है, हम चुनाव जीतेंगे। मुसलमानों को भी निकाय चुनाव में टिकट दिया जाएगा। सपा के कानून व्यवस्था के ट्वीट पर कहा कि सपा अपने शासनकाल को याद करे, उससे कई बेहतर आज कानून व्यवस्था है। के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं। सर, अगर बात किए तो आज चौधरी चरण सिंह की जयंती है और जयंत चौधरी पहुंचे थे श्रद्धांजलि देने के लिए। उन्होंने कहा निकाय चुनाव में सपा और इसके साथ साथ रालोद और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी को हराएगी। आज हमारे किसानों के नेता, देश के प्रधानमंत्री, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की 120वीं जयंती है और मेरा भी कार्यक्रम उनका जो जन्म स्थान है नूरपुर में, हापुड़ में, वहीं मैं श्रद्धांजलि प्रकट करना चॉइस आपकी। सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ उपस्थित रहेंगे। जहाँ तक निकाय चुनाव से संबंधित विषय है, हम लोगों की पूरी तैयारी है, लेकिन कुछ लोग षड्यंत्र करके चुनाव टलवाना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश की, देश की जनता इन सारे विषयों को जानती है और हम सब लोग मिलकर पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाएंगे और जो काम हमने किए हैं हमारी रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है सपा बसपा कांग्रेस रालोद से बड़ा गठबंधन कोई नहीं हो सकता। ये सारे प्रयोग कर चुके हैं और 2019 में जनता ने जिस प्रकार का जनादेश मोदी जी के नेतृत्व में दिया है वो हमारे सबके सामने है। अब ये षड्यंत्र की बात की है, सरकार आपकी है, सब शासन प्रशासन आपका, षड्यंत्र कौन कर रहा है चुनाव रुकवाने के लिए? आपने देखा कौन लोग कोर्ट में, कौन याचिका लगाए, कौन गए कोर्ट में, माननीय न्यायालय में जिन लोग, जो लोग गए हैं उन्हें सबकी जानकारी है कौन लोग हैं उसके पीछे। तो चुनाव में हम लोग तो हमारी तैयारी है पूरी, इन लोगों की तैयारी है भी गठबंधन की कल्पना कर रहे हैं, कौन कौन साथ आएगा, कौन कौन जाएगा, अपने पुरानों को संभालने रहे, नयों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो सब इनका अपना एजेंडा है। लेकिन जनता, प्रदेश की, देश की जनता सब जानती है कौन दल देश के, समाज के हित में काम कर रहा है, कौन विकास के काम कर रहा है, कौन देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रहा है, सब जानकारी है।
17 नगर निगम है वहाँ पे पसमांदा समाज का सम्मेलन कराने की भी आपकी योजना है, क्या बीजेपी मुसलमानों को टिकट देगी निकाय चुनाव के अंदर? हाँ, निश्चित रूप से हम जो हमारे अनुकूल आएगा राजनीतिक दृष्टि से, जो परिणाम ठीक से दे पाएंगे, मतलब हम जीत सकते हैं, तो हम लोगों ने सर्वे करा रहे हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं और सभी सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी, अल्पसंख्यक बहुल पर भी लड़ेगी और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी बड़ी संख्या में हम लोग अपने सिंबल से चुनाव लड़ाएंगे। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में अभी निकाय चुनाव को लेकर जो सहयोगी दल है उनके साथ गठबंधन होगा या नहीं, इसके केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा, लेकिन अगर निर्णय होता है तो सहयोगी दलों को भी सीट दी जाएगी। कृष्ण धर्मतरंग साथ अविनाश तिवारी, यूपी गंगा, दिल्ली। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद सीएम योगी किसान सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी होगी, किसानों के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। ये भी कहा कि चीनी मिलों की मनमानी पर भी अब रोक लग चुकी है। ये बातों का जिक्र मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। देर से मानसून आए, लेकिन देर से मानसून आने के बाद जिन अन्नदाता किसानों ने पहले से ही व्यवस्था की थी नेचुरल फार्मिंग से जुड़े थे, कम सिंचाई में उनकी उत्पादकता अच्छी थी। प्रधानमंत्री जी ने $5 trillion की इकोनॉमी बनाने की बात की है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को इसके लिए $1 trillion की अर्थव्यवस्था बनाना पड़ेगा और $1 trillion की अर्थव्यवस्था की आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम कृषि विकास की दर को बढ़ाएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।